हेलो दोस्तों, वनस्पति दर्शन और फ़ायदे में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जब भी मच्छरों का सीज़न होता है तो मच्छरों के काटने की वजह से हमें बुखार आने लगता है, जो कि एक संक्रामक रोग है जिसको हम विषम ज्वर के नाम से भी जानते हैं। ये रोग एक दो दिन बाद फिर से आता है तथा फिर चला जाता है। सर्दी के समय में ये कम होता है, लेकिन जब भी मच्छरों का समय ज़्यादा होता है तब ये रोग हमें लगने लगता है। तो फ्रेंड्स, इस ज्वर से कैसे बचा जाए, इस बुखार से कैसे हम निजात पाएं, इसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और जानिए कि इस रोग का क्या इलाज है और आप किस प्रकार से इससे छुटकारा पा सकते हैं। काली मिर्च को पीस लीजिए। तथा तुलसी के पत्तों को ग्राइंड करके उसका जूस बना लीजिए। एक चम्मच तुलसी का अर्क लेकर उसमें ये दो तीन चुटकी काली मिर्च है पीसी हुई, इसको डालकर अच्छे से इसको मिला लीजिए। इसको खाकर आप इसके ऊपर से दूध पी लीजिए। ये जो विषम ज्वर होता है उसको दूर करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो विषम ज्वर हो जाने पर आप इस घरेलू उपाय को अपने प्रयोग में लाइए और अपने बीमारी को, अपने ज्वर को अपने शरीर से दूर कीजिए। रात में मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप घर में ऑल आउट या फिर मच्छरों को मारने का कोई भी पदार्थ इस्तेमाल कर सकते हैं। भरपेट पोषक युक्त भोजन कीजिए ताकि आप इससे आ रही, इस रोग से जो कमजोरी शरीर में आ जाती है उससे बच सकें। अपने आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें ताकि मच्छर ना पनप सके और आप इस रोग से बीमार ना हो सके। तो फ्रेंड्स, इन बातों को ध्यान में रखिए और अपने रोग को दूर कीजिए। इसी के साथ आप हमारे चैनल से जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा सभी के साथ शेयर कीजिए। एंड आगे मैं हाजिर होंगी आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। एंड थैंक